आज जब हमारे पास ढेर सारे अवसर मौजूद हैं, हमारे पास दरअसल इतने सारे विकल्प हैं कि वो हमें लगभग पैरालाइज कर देता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम कैसे चुने कि हम क्या करना चाहते हैं। चुनाव करने को लेकर शायद आप प्रोफेशनल और दूसरी तरह के चुनावों की बात कर रहे हैं, है ना? क्या आपका यही मतलब है? देखिए, इसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। आज दुर्भाग्य से उन्होंने मुझसे पूछा, अभी तक आप जितने भी यूनिवर्सिटीज में गए हैं, क्या आपको वैसे सवाल मिले जो आप चाहते थे? मैं किसी खास तरह के सवाल नहीं चाहता था, लेकिन मैं हर तरह के सवाल चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम सवाल पूछे गए जिनका संबंध दुनिया से, मानवता से, इस धरती पर मौजूद जीवन से, देश से हो। इस तरह के सवाल बहुत कम आए, बहुत छोटा प्रतिशत। बाकी सब व्यक्तिगत चीजों के बारे में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूं कि नवयुवक देश और दुनिया की ज्यादा बड़ी स्थितियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये कहने के बाद, देखिए, अपने जीवन को जीने के दो तरीके हैं। या तो मैं वो करना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं, मगर आपको समझना होगा कि जो आप करना चाहते हैं वो सिर्फ एक विचार है जो आपने पैदा किया, और वो आपका भी नहीं है, उसे आपने अपने आसपास से उठाया है। हाँ, कुछ रुझान हो सकते हैं। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, किसी न्यूज चैनल ने मुझसे पूछा, सदगुरु, क्या आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं 2019, क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, क्या आप अगले चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा, नहीं। लेकिन क्यों? I said, that's not my competence. मैंने कहा, वो मेरी योग्यता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूँ। अगर मुझे लगता तो मैं शायद उसके बारे में सोचता। तो एक चीज है रुझान। क्या आपका किसी खास कार्य के प्रति रुझान है? क्या इसलिए आप उस दिशा में सोच रहे हैं? या आज ढेर सारे लोग क्या करना है इसका फैसला इस आधार पर करते हैं कि उन्हें उससे क्या मिलेगा। क्या मुझे इस तरह की जीवन शैली मिलेगी? क्या मुझे इस तरह की तनख्वाह मिलेगी? क्या मैं इस तरह का पैसा और जीवन शैली कमा पाऊंगा? वो इसी के बारे में सोचते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा और अंत में आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, अगर आप खुद को, सबसे पहले आपको यह करना चाहिए, आपको अपने जीवन में काम नहीं करने चाहिए अपनी बेचैनियों, अपनी निराशाओं, अपनी चिंताओं के आधार पर। जब यह प्रश्न आपके जीवन में एक गंभीर प्रश्न बन जाता है, तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए, कम से कम 3 से 10 दिनों की, जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। कुछ लोगों को शायद 3 दिन लगे, किसी को शायद ज्यादा समय लगे। मान लेते हैं अधिकतम 3 से 10 दिन की रेंज में, और अपने साथियों से प्रभावित ना हो, फोन को स्विच ऑफ कर दें, अपने प्रोफेसरों से प्रभावित ना हो, अपने माँ बाप से या सामाजिक दबाव से प्रभावित ना हो, थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं और देखें। मैं आपसे एक सरल से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप एक कीमती जीवन है? आपका जीवन, क्या वो आपके लिए कीमती है? हेलो, अगर वो आपके लिए कीमती है, तो आप इस कीमती जीवन को किस चीज में लगाने जा रहे हैं? आपको इस चीज की चिंता होनी चाहिए, है ना? आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कर रहा है। आपको कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं कर रहा। ये चीजों को तय करने का तरीका नहीं है। आप अपना जीवन लगा रहे हैं। अगर ये जीवन कीमती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज वाकई आपके लिए मायने रखती है, और आपको वही करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फायदेमंद है, फायदेमंद नहीं है। अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करेंगे, है ना? अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करते, तो आपके साथ शानदार चीजें कैसी होंगी? देखिए, चाहे वो कला हो, संगीत हो, डिजाइन, बिजनेस, खेल, आध्यात्मिकता या राजनीति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अगर आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप कभी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। ये बात 100% तय है। आप शायद रोजी रोटी कमा लें, लेकिन आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। देखिए, अभी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसके प्रति समर्पित हो सकते हैं। आप यूं सोचें, अगर आज मैं अपना जीवन लगाता हूं, तो अगले 25 साल क्या मैं उसके प्रति समर्पित रह सकता हूं जो मैं अभी कर रहा हूं? क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा? क्या मैं संतुष्ट महसूस करूंगा अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या किया है?
कुछ भी आप जो चाहे वो कीजिए, बस उसे अच्छी तरह कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसे लेकर कल आपको शर्मिंदा होना पड़े, है ना? दूसरे लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपने काम पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? हेलो, इतना आपके पास होना चाहिए, अपने जीवन में आपके पास इतना गर्व और आजादी होनी ही चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया कहती है कि आप गलत हैं, लेकिन आप उसके लिए शर्मिंदा नहीं हैं जो आपने किया है। इतना आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। अगर ये एक चीज आप छोड़ देते हैं तो आप एक बहुत मामूली जीवन जिएंगे। आपके पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा।